आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना ने बीते कई महीनों का रिकॉर्ड तोड़ा है। गुरुग्राम में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1447 नए मरीज मिले हैं, जबकि स्वस्थ होने वाले मरीजों की मात्रा 645 रही है। तो वहीं नए मरीजों के साथ सक्रिय मरीजों के आंकड़े में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। गुरुग्राम में अब सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 4220 जा पहुंचा है, जो कि बीते कई महीनों में सबसे अधिक है। तो वहीं बता दें कि गुरुग्राम के CMO डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो कोरोना के मामले बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है लोगों में लापरवाही। लोग ठीक तरीके से मास्क नहीं पहन रहे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, जिस वजह से कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां तक कि गुरुग्राम के CMO ने लोगों से अपील करते हुए ये तक के कहा कि अगर अभी भी लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में कोरोना और विकराल रूप ले सकता है। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में पूरी हरियाणा में गुरुग्राम कोरोना का हॉटस्पॉट जिला बना रहा और अब एक बार फिर गुरुग्राम में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। आज तकरीबन 1440 के आसपास जो हैं मामले आए हैं और 645 लोगों को आज ट्रीटेड घोषित किया गया, और अभी जो एक्टिव केसेस हैं वो 4200 के करीब रह गए हैं। और पिछले 3 या 4 दिनों में ऑलमोस्ट इसमें इजाफा जो है एक्टिव केसेस में प्रतिदिन 1000 के करीब हुआ, लेकिन आज 800 के आसपास एक्टिव केस बढ़े हैं। नहीं देखिए, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के केसेस हमेशा से रहे हैं और अभी तो 60-70% ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के ही केसेस हैं ज़्यादातर जो आ रहे हैं। इसका एक बेनिफिट यही रहा है वैक्सीन का कि लोगों को सीवियरिटी नहीं रही, कोई गंभीरता नहीं रही, एसिम्प्टोमेटिक हैं ज़्यादातर। अगर सिर्फ टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं या स्लाइट फीवर या कोल्ड के साथ ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही इससे स्पष्ट दिखती है। क्योंकि हम अगर ये कहें एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी तरफ से यही प्रयास कर सकता है कि जो लोग बीमार हों उनका इलाज कर सके या उनको वैक्सीन दे सके। संभवतः हम दोनों काम सेकेंड वेव के बाद वैक्सीनेशन का काम भी कर पाए तो लोगों ने, लेकिन फेस्टिव सीज़न रहा हो या शादियों का सीज़न रहा हो लापरवाही बढ़ती है और अभी भी लोग लापरवाह हैं। और इसी को देखते हुए हमने वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया और मास्क के चलाने को भी इंक्रीज़ किया। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कभी शायद संभवतः जब तक सोसाइटी खुद या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग नहीं समझेंगे केसेस को रोक पाना इस तरह से संभव नहीं होगा। इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वैक्सीनेशन के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मास्क, और मास्क का उचित तरीके से पहनना ये बेहद ज़रूरी है। अन्यथा आने वाले दिनों में आप केसेस में और इजाफा देख सकते हैं, वो चाहे ओमिक्रॉन के हों या वैसे कोविड की कोई भी स्ट्रेन हो, ये इन्फेक्शियस है और रहेगी। इसका एकमात्र जो है सबसे अच्छा तरीका वो है मास्क पहनना। संभवतः शायद ऐसा वक्त आ गया है कि नो मास्क नो सर्विसेज, विदाउट मास्क अगर आप मास्क नहीं हैं तो हमें सोच, और मास्क भी सही तरीके से आपने नहीं पहना है तो आपको कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड ना करी जाए। शायद ये नॉर्म्स जो है वो फॉलो करना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा मैं बार बार कह रहा हूँ केसेस में और इजाफा हो सकता है। नहीं, ऑलरेडी हमने 25% बेड रिजर्व कर दिए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, अभी हॉस्पिटलाइजेशन 1% के आसपास है। यदि ये हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ती है तो चाहे हमें 50-75% जितने भी बेड रिजर्व करने पड़े। वो देखिए, अब होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस तो सिर्फ 7 दिन की रह गई हैं सभी के लिए। अगर आप 7 दिन के बाद या 3 दिन लगातार एसिम्प्टोमेटिक हैं और आपको फीवर नहीं है और टोटल 7 दिन हुए आपके टेस्ट पॉजिटिव के बाद, आप यू डीम टू बी फिट और आपको डिस्चार्ज और ट्रीटेड मान लिया जाता है। अब गाइडलाइंस में ये चेंज आ चुका है। बिल्कुल, जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें, खास करके बच्चे और बुज़ुर्ग। मास्क बेहद ज़रूरी है, अगर वैक्सीन किसी कारणवश नहीं लगी है तो अपनी वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ, क्योंकि ये आपकी बीमारी को की गंभीरता को कम करता है। और मैं एक जो मैंने कहा, हम तो यही चाहते हैं कि नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी पे हम काम करें सभी जगह। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और मास्क, इसके बिना अगर आप आते हैं तो आपको कोई सर्विसेज ना दी जाए। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को वॉच सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।